में से कई लोग ये नहीं जानते कि वुमेन्स ने भी अपना पूरा कंट्रीब्यूशन दिया है साइंस के फील्ड में। सो आज हम देखेंगे 10 ऐसे वुमेन साइंटिस्ट के बारे में जिन्होंने भारत को प्राउड फील करवाया है। परमजीत खुराना। परमजीत खुराना को ऑल वेदर। डॉक्टर इंदिरा हिंदुजा। डॉक्टर इंदिरा गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्ट्रेशियन और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हैं, जिन्होंने गिफ्ट इंट्रोड्यूस किया जिसे गैमेट इंफ्राफेलोपियन ट्रांसफर कहते हैं। असीमा चटर्जी। असीमा चटर्जी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। उन्हें जाना जाता है कि एंटी इलेप्टिक ड्रग और आयुष 56 और एंटी मलेरियल ड्रग और इनके रिसर्च के लिए जो कि इन्होंने विनिका अल्कोलाइट पर किया है। शुभा टोले। शुभा टोले जानी जाती है न्यूरोसाइंस फील्ड की कंट्रीब्यूशन के लिए। स्वरूप भटनागर प्राइज भी मिला है 2010 में। दर्शन रंगनाथन। दर्शन रंगनाथन जानी जाती है उनके बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के काम के बारे में। आनंदीबाई जोशी। आनंदीबाई जोशी इंडिया की पहली वुमेन डॉक्टर में से एक थी जिन्होंने वेस्टर्न मेडिसिन के बारे में स्टडी किया। उषा बरवाले। इन्होंने इंडिया का सबसे पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड प्रोड्यूस किया जो कि बीटी ब्रिंजल है। टेसी थॉमस। टेसी थॉमस को मिसाइल लेडी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इंडिया की अग्नि मिसाइल सक्सेसफुली लॉन्च हुई थी। डॉक्टर आदिति पंत एक ओसिनोग्राफर थी एंड वो पहली इंडियन वीमेन थी जिन्होंने 1983 में अंटार्कटिका विजिट किया। Designated as a project manager, mission design, and a deputy operations director. Coordinate all the space science. क्या खूब कहा है कि अगर आप एक बच्चे को पढ़ाते हो तो वो एक इंसान को पढ़ाने के बराबर होता है, लेकिन अगर आप एक लड़की को पढ़ाते हो तो वो एक पूरे परिवार को पढ़ाने के समान होता है। तो दोस्तों, इस विज्ञान दिवस पर आप प्रण करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों को पढ़ाएं और विज्ञान की तरफ बढ़ाएं। तो यह था आज का छोटी सी फिल्म। शुक्रिया, धन्यवाद।